हमारा सवाल यह है कि ये तो हमें अंदाजा था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे इस बार, लेकिन ऐसा क्यों किया है? हालांकि आपके पास वक्त है, कोर्ट ने भी आपको वक्त दिया है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने की क्या वजहें हैं? हम बहुत कॉन्शियस हैं इस बात से और बीच बीच में आरोप भी लगते रहते हैं। हम वहां गए थे तब भी हमसे लोगों ने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आपसे आपसे आपको कहलवाने के लिए कि इलेक्शन कराइए, और आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पहली बात, आपने इतने समय से क्यों नहीं किया? तो पहली बात, मैं सबके सामने ये इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 2019। ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया। उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व्स थी पाक ऑक्यूपाइड जेएनके की, बची 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, राइट? 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया, उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया। तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स, क्या हो गया, 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। ये नया फीचर क्रिएट हो गया और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई जिसमें से एक वुमेन की थी, और उसके बाद एक सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी। और ये सारे, इसका मतलब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड डिलिमिटेशन एक्ट वर नॉट इन सिंक एंड देयरफॉर देयर वाज नो ओकेजन फॉर द कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन टिल दैट हैपेंस। व्हेन डिड दैट हैपन? दैट हैपेंड इन दिसंबर 2023 बाय अमेंडमेंट इन द जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का, असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए। हम जेएनके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा ऑल कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे, वी रेस्पेक्ट दैट, और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 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 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे, सो 90 × 12 करीब करीब 1000 कैंडिडेट हो गए, और जेएनके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब करीब 1000 के बीच में 450 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे।